नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक जबरदस्त वीडियो सीरीज आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, वो ये है कि भाई चार मंजिल का अगर आप घर बना रहे हैं तो उसका रेनफोर्समेंट डिटेल मतलब सरिया क्या देंगे, और हम यहाँ पे आपको बताएंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन में क्या सरिया देंगे, कॉलम में क्या देंगे, प्लिंथ बीम में क्या देंगे, लिंटल बीम में क्या देंगे, रूफ बीम में हर एक फ्लोर के हिसाब से क्या देंगे, उसका साइज भी क्या रहेगा वो भी बताएंगे, छत में क्या देंगे, फिर आपका छज्जा सब जो जितना रहेगा आपका रूम में हो, स्टोर में, बाथरूम के ऊपर हो, खिड़की का हो, किचन का हो, सबका सरिया का डिटेल हम बताएंगे आपको, और साथ ही साथ सीढ़ी में क्या देंगे, और ये सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए देखने को मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताएंगे अलग अलग, फिर लास्ट में एक ही साथ सबका शॉर्ट में बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा कि चार मंजिल का एक घर अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, और ये आज पर जो है कुछ रूल है जिस थंब रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि इस हिसाब से, और एग्जैक्ट अगर हाई राइज बिल्डिंग में जो है हम लोग ज़्यादातर लोड कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर जो है ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है लेकिन हम आपको एक थंब रूल के हिसाब से लेकर चलेंगे। आपको चलते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले आज का जो है पार्ट और है रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ फुटिंग फॉर फोर स्टोरेज हाउस, फुटिंग का यहाँ पे देख रहे हैं और उसका डेप्थ भी क्या रहेगा सब कुछ दिखाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा तो अगर हम रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करें तो यही रेनफोर्समेंट जाली फुटिंग का ये जाली बना हुआ है, इसी जाली को बनाने का क्या है तरीका है वो भी हम बताएंगे, और कैसे इसका जो कटिंग लेंथ निकालते हैं वो भी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ये फोर स्टोरेज के लिए जो है जिसमें एज पर लोड कंडीशनर के अनुसार पहले हम आपको प्लान दिखा देते हैं फिर आगे बात करेंगे। भाई प्लान में कुछ है यहाँ देखिए, हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर दिखाएंगे फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर में अगर आप देखेंगे भाई कॉलम का पोजीशन आप देख सकते हैं आप कितना है, इस लाइन में 5 है, इस लाइन में 4 ही है, इस लाइन में 5 है, ठीक। अब इसका हम डिटेल चलेंगे, और फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर कुछ इस तरह से है, तो लो चार मंजिल का हो गया। कॉलम सेंटर लाइन आप यहाँ पे अगर देखेंगे देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम फुटिंग पे फोकस कर रहे हैं इसलिए हम फटाफट बताते जा रहे हैं। यही कॉलम सेंटर लाइन देख लीजिए, दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस आप देख लीजिए, और यहाँ जो है एज पर थंब रूल के अनुसार जो है कुछ कंडीशन हम आपको लिख देते हैं जो कि आपको ध्यान देना है कि कॉलम से कॉलम डिस्टेंस जो रहेगा अप्रोक्स आपका रहेगा, अगर हम मीटर में बात करें तो 4.5 से 5 मीटर के बीच में, ये ज़रूरी है। और अगर हम इसको ले कर चलेंगे, हम तभी यहाँ पे मीटर में ले कर चले हैं, तो अगर आप इसको फुट में ले कर चलेंगे तो फुट में आ जाएगा दोस्तों आपका 15 से लेकर के 16 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में ले कर चलना है, उसके हिसाब से तब जाकर के ये जो है कंडीशन अप्लाई होगा। नहीं तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस है आपका 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट है, तब जाकर के आपको डिज़ाइन लोड टेस्ट करना पड़ेगा और फुटिंग और सबका साइज चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या डिटेल दिया हुआ है कि आप ज़रा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि फुटिंग की अगर हम साइज़, यहाँ पे दो तरह का फुटिंग का साइज़ है, जो कॉलम का डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे जो है उसका फुटिंग का साइज आप यहाँ पे दिया हुआ है 6 फीट बाय 6 फीट का, और जिसका जो कॉलम का डिस्टेंस कम है वहाँ पे फुटिंग का साइज़ दिया हुआ 5 फीट बाय 5 फीट का, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं तो 6 फीट बाय 6 फीट 5 फीट 5 2 फीट का, लेकिन हम रेनफोर्समेंट डिटेल के साइज हम दो बता दें, रेनफोर्समेंट डिटेल जो है बॉटम जाली बोथ वे 12 mm का 5 इंच सेंटर, इधर भी बॉटम जाली 12 mm का 5 सेंटर, हम जो ये जाली बनाएंगे नीचे वाला जाली आप जो देख रहे हैं ये 12 mm का 5 इंच सेंटर, इतना क्लियर होगा कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। तो 12 mm का सरिया रहेगा, ठीक है, और दो सरिया के डिस्ट में बीच में 5 इंची का सेंटर डिस्टेंस रहेगा, इतना क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे ज़रा प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। अब ये हम जो जाली बनाए हैं ध्यान दीजिएगा इसको,
ये जाले और ये जाले, पता नहीं चल रहा है भाई, ये जाले, ये जाले, ये जाले के बीच में कितना है, 5 इंची, 5 इंची, सबका 5-5 इंच सेंटर सेंटर। फिर आपका जो है इधर लाइन का, ये जितना लाइन है ये जाले का, ये भी 5 इंची सेंटर सेंटर, 5 इंच सेंटर सेंटर है। इतना तक क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैश बार, ठीक है। और ये एल जो रहेगा, अभी अगर मान लिया जाए कि ये मेरा फुटिंग का साइज है 6 फीट बाय 6 फीट, तो हमें जो है इस साइड से 1-2 इंच इधर माइनस करना है और 2 इंच इधर कवर के लिए, तो कितना आ जाएगा मेरा, तो कटिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेरा आ जाएगा कितना, ये नीचे की बात कर रहे हैं, 5 फीट 8 इंची, 2-2 4 इंच माइनस हो जाएगा 6 फीट में से, प्लस 4 इंची ये जो एल जो है आप जो देख रहे हैं, एल जो निकला हुआ इधर एल और इधर है, इधर एल इधर एल, दोनों एल को मिला कर 4 इंच इधर निकला है, 4 इंच इधर निकला है इस पर ड्राइंग के हिसाब से, तो प्लस 4 इंची प्लस 4 इंची, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 फीट 4 इंची, है ना कमाल का चीज। तो 6 फीट 4 इंची में कटिंग लेंथ काटना है और उसको जो है 4-4 इंची पे इससे 4 इंच इधर माइनस कर एल मार देंगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है क्या? तो हमें नहीं लगता है कुछ कन्फ्यूजन होगा। और ये सीरीज में जो है आपको ज़बरदस्त ज़बरदस्त और भी चीज़ जो मैं आपको बताया, फुटिंग, मैं फुटिंग को लेकर चला पहले, फिर इसके बाद जो है अब यहाँ पे जो आएगा मेरा फुटिंग जाली हो गया, फिर इसके बाद जो है कॉलम में क्या सरिया देंगे वो बताएंगे, उसका रिंग का क्या पैटर्न है वो बताएंगे। और हाँ एक और चीज़ तो मैं बताना इसमें भूल गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि जब भी कभी अगर आप यहाँ ज़रा देखिएगा कि भाई ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस भाई साहब को अगर आप देखिएगा तो ये जो है जाली के नीचे क्या लगा रहे हैं भाई। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सोचने वाली चीज़ है, जाली के नीचे जो है हमें कवर, कवर ब्लॉक लगाना, जिस हिसाब से चारों साइड से हम जो है 2-2 इंची छोड़ रहे हैं, उसी हिसाब से इसके नीचे भी ये जो जाली है, ये इस जाली, फुटिंग जाली, मैश बार जिसको बोलते हैं, इस जाली के नीचे और ये पीसीसी के नीचे हमें 2 इंची का जगह ले, 2 इंची का कवर देना है। अब वो कहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ज़रा हम ड्राइंग में भी, ड्राइंग में तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे मान ले जाए ये पीसीसी मेरा जो है ये रहा, लाइनिंग की जगह पीसीसी ये रहा, और ये हम जाली जो है कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं, जाली ये हो गया, ठीक है। अब ये पीसीसी और ये जाली के बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा आपका, बीच में एक कवर ब्लॉक लगेगा भाई, की दोनों का डिस्टेंस इसके नीचे कंक्रीट जा सके, ये देखिए यही चीज़ है। और ये कवर ब्लॉक कितना रहेगा आपका, कवर ब्लॉक जो रहेगा 2 इंची का रहेगा, ठीक है ना कमाल की चीज़ दोस्तों, ना ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। और 2 इंची कवर देना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर से, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गए होंगे कि भाई पीसीसी में जो है, ठीक है, सॉरी फुटिंग में जो है 12 mm का 5 इंची सेंटर सेंटर सरिया इस्तेमाल करना, ठीक है, ज़रूरी है। फिर अब इसका नेक्स्ट में हम आपको कॉलम में क्या देंगे वो भी बताएंगे। तो पार्ट जो है 1 था ये, ऐसे ऐसे सब वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल निधिपक को नया वीडियो आपके लिए लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।